एक झूठ को आम आदमी पार्टी के नेता कैसे मिलजुल कर फैलाते हैं, इसका ताजा उदाहरण संजय सिंह मामले से समझा जा सकता है। ईडी ने संजय सिंह को एक चिट्ठी लिखी, बस फिर क्या था। संजय सिंह ने कहना शुरू कर दिया कि ईडी ने उनसे माफी मांग ली। सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और अरविंद केजरीवाल विजय पताका फहराने लगे कि शराब घोटाला मामला फर्जी है, जानबूझकर उन्हें और उनकी पार्टी को बदनाम किया जा रहा है। जबकि हकीकत यह है कि ईडी ने जो पत्र संजय सिंह को भेजा है उसमें माफी जैसा कोई शब्द नहीं है। साथ ही ईडी ने अपने पत्र में संजय सिंह को इस बात के लिए फटकार लगाई है कि वे गलत बयानी से बचे। संजय सिंह को भेजे पत्र में ईडी ने कहा कि सच्चाई जानते हुए भी मीडिया के सामने गलत बयानी करना कानूनन अपराध है और ऐसा नहीं करने की सलाह दी गई है। ईडी के वकील जोहेब हुसैन की ओर से संजय सिंह के वकील महेंद्र सिंह बेदी को 29 अप्रैल को ये जवाब संजय सिंह के वकील की ओर से 22 अप्रैल को भेजे गए लीगल नोटिस पर दिया गया। ऐसा ही लीगल नोटिस 22 अप्रैल ईडी निदेशक को भेजा गया है। जोहेब हुसैन ने ईडी के निदेशक और दोनों की ओर से अलग अलग जवाब संजय सिंह को भेजा गया। संजय सिंह को भेजे गए ईडी के जवाब के अनुसार आबकारी नीति घोटाला की चार्जशीट में कुल 4 स्थानों पर संजय सिंह का नाम आया है। 3 स्थान पर संजय सिंह का नाम सही है, लेकिन 1 स्थान पर गलती से दिल्ली आबकारी आयुक्त राहुल सिंह की जगह संजय सिंह का नाम आ गया था और इस गलती का पता चलते ही 20 अप्रैल को ईडी ने अदालत के सामने इसे सुधारने का आवेदन दाखिल कर दिया। यानी संजय सिंह की ओर से लीगल नोटिस भेजे जाने के पहले ही ईडी अदालत से इस गलती को सुधारने की अपील कर चुकी थी। ईडी ने अदालत के सामने विचाराधीन मामलों को लीगल नोटिस भेजकर जांच एजेंसीज और उसके निदेशक की छवि धूमिल करने का आरोप लगाया। यही नहीं, ईडी की ओर से जांच अधिकारी की ओर से दाखिल चार्जशीट उस क्षेत्र के प्रमुख अधिकारी को मंजूरी से दाखिल की जाती है और इसके लिए ईडी निदेशक की मंजूरी की जरूरत नहीं होती। जबकि संजय सिंह की ओर से ईडी निदेशक संजय मिश्रा को भी नोटिस भेजा गया। ईडी का कहना है कि सारे तथ्यों से अवगत होने के बाद भी संजय सिंह को मीडिया के सामने गलत बयानी कर जांच एजेंसीज और उसके निदेशक की छवि धूमिल करने की कोशिश की जा रही है, जो कि कानून अपराध है। ईडी ने संजय सिंह से मामले की सुनवाई अदालत के सामने विचाराधीन होने का हवाला देते हुए मीडिया के सामने बयानबाजी से बचने की सलाह दी। ईडी के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि ताजा बयानबाजी के इस मामले को अदालत के सामने अगली सुनवाई के दौरान उठाया जाएगा, लेकिन इतना हो जाने के बाद भी संजय सिंह ने अपने आधिकारिक ट्विटर अकाउंट से एक वीडियो जारी करते हुए दावा किया था कि कथित दिल्ली शराब घोटाला मामले की चार्जशीट में उनका नाम डालने के लिए प्रवर्तन निदेशालय ने माफी मांग ली है। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर हिंदुस्तान में इतिहास में पहली बार ईडी द्वारा माफी मांगे जाने का दावा कर दिया। अरविंद केजरीवाल ने भी ट्वीट करते हुए पूछा कि क्या किसी का नाम चार्जशीट में गलती से भी डाला जाता है। इससे साफ है कि पूरा केस फर्जी है। केवल गंदी राजनीति के तहत देश की सबसे ईमानदार पार्टी को बदनाम करने और सबसे तेजी से बढ़ने वाली पार्टी को रोकने के लिए प्रधानमंत्री जी ऐसा कर रहे हैं, उन्हें ये शोभा नहीं देता। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। जंतर मंतर पर पहलवानों का धरना शांतिपूर्ण तरीके से चल रहा था। अचानक आधी रात को वहां पुलिस और पहलवानों के बीच कथित तौर से हाथापाई शुरू हो गई। कुछ पहलवानों को चोट आई। पहलवानों का आरोप है कि शराब के नशे में चूर होकर एसीपी धर्मेंद्र और पुलिस कर्मचारियों ने उन पर हमला किया, गाली गलौज की। लेकिन ये सारा तमाशा तब शुरू हुआ जब अरविंद केजरीवाल ने सोमनाथ भारती के हाथों ट्रक भरकर फोल्डिंग बेल्ट्स भिजवाए। पुलिस ने इसका ये कहकर विरोध किया कि उन्होंने इस बात की परमिशन नहीं ली है। पुलिस ने सोमनाथ भारती को हिरासत में भी लिया। सोमनाथ भारती कभी अरविंद केजरीवाल की सरकार में मंत्री हुआ करते थे। उन्हें मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देना पड़ा, ये बात सबको याद है। पीछे कोई रणनीति रही होगी, लेकिन जिस बात की कोशिश पहलवान पहले से कर रहे थे कि दिल्ली में इसी बहाने बड़ा हंगामा किया जाए, महावीर फोगाट ने एक दिन पहले ही कहा था कि दिल्ली को घेरा भी लगा सकते हैं। और इसी वजह से पुलिस जैसे ही बेल्ट लाने वालों को रोकने लगी, रेसलर्स बार बार वीडियो बना लो कहते और पुलिस से भिड़ने लगे। घटना के बाद बजरंग पुनिया समेत अन्य पहलवानों का बयान आया। इसमें वे सारे देशवासियों से कह रहे हैं कि उनके प्रदर्शन को लोग समर्थन देने दिल्ली के जंतर मंतर आए। पुनिया कहते हैं कि हमें पूरे देश के साथ की जरूरत है, हर किसी को दिल्ली आना चाहिए। पुलिस हमारे विरुद्ध तो बल का इस्तेमाल कर रही है, बहन बेटियों के साथ गाली गलौज कर रही है, बदतमीजी हो रही है। लेकिन ब्रजभूषण का कुछ नहीं हो रहा। पुनिया के इस वीडियो के बीच में कुछ पहलवानों को गुस्से में कहते हुए सुना जा सकता है कि लोग ट्रैक्टर लेकर आओ दिल्ली, सुबह नहीं होनी चाहिए, सुबह सभी यहीं पर सबसे पहले आओ। विनेश फोगाट ने तो अवार्ड वापसी गैंग की तरह अपने जीते हुए सारे मेडल्स वापस करने तक का भी ऐलान कर दिया।
दिल्ली पुलिस ने इस झड़प के बाद बताया कि जंतर मंतर पर चल रहे पहलवानों के प्रदर्शन के दौरान सोमनाथ भारती प्रदर्शन स्थल पर फोल्डिंग बेल्ट लेकर पहुंच गए। जब पुलिस ने उन्हें रोकने का प्रयास किया तो समर्थक भिड़ गए और बेड को ट्रक से नीचे फेंकने का प्रयास किया। इस बीच छोटी झड़प हो गई। पुलिस ने सोमनाथ भारती समेत दो को हिरासत में लिया है। डीसीपी प्रणव ने भी इस संबंध में बताया कि अनुमति न होने के बावजूद सोमनाथ भारती जंतर मंतर पर प्रदर्शन में फोल्डिंग बेड्स लेकर आए। हमने बस उन्हें घुसने नहीं दिया तो उस पर झड़प हुई। उन्होंने महिला पहलवानों से बदसलूकी पर कहा कि साइट पर महिला पुलिस कर्मचारी लगातार तैनात हुई हैं और हमने पहलवानों से कहा कि वो अपनी शिकायत दें और पुलिस उस पर निष्पक्ष जांच करेगी। जिस पुलिस कर्मचारी पर इन्होंने नशे में होने का आरोप लगाया है उसका भी मेडिकल करवाया जा रहा है। जो भी एक्शन लेना होगा लेंगे। इससे पहले भारतीय ओलंपिक संघ की अध्यक्ष पीटी उषा ने जंतर मंतर पर बैठे खिलाड़ियों से बात की थी। उन्होंने आश्वासन दिया था कि पहलवानों की समस्या पर गौर किया जाएगा और जल्द ही उसका समाधान होगा। वहीं दूसरी ओर सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर मिल रही पुलिस सुरक्षा को पहलवानों ने लेने से मना कर दिया। पहलवानों ने कहा कि अगर वो जंतर मंतर पर भी सुरक्षित नहीं हैं, तो वे कहीं भी सुरक्षित नहीं हैं। यहां वे शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं, उन्हें किसी से कोई दिक्कत नहीं है। रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। शरद पवार ने उद्धव ठाकरे को सियासत का कच्चा खिलाड़ी बताया और अजीत पवार से उद्धव ठाकरे गुट की ज्यादा बनती नहीं। खास तौर से संजय राउत के साथ उनके रिश्ते काफी तल्ख हैं। और अब जब शरद पवार ने पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और किसी भी सूरत में वे इस पद को फिर से स्वीकार करने का इरादा नहीं रखते, शरद पवार के इस फैसले के कारण महाराष्ट्र की सियासत अपनी धुरी पर पूरी तरह से घूम गई है। और इसके बीच सामना में एक साथ कई बातों का जिक्र किया और लगे हाथ अजीत पवार को निशाने पर लिया। सामना के इस लेख में न सिर्फ अजीत पवार बल्कि बिना नाम लिए एनसीपी के कई नेताओं पर तीर चलाए गए। अजीत पवार की चर्चा करते हुए इस लेख में लिखा गया कि अजीत पवार की राजनीति का अंतिम उद्देश्य महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री बनना है। सुप्रिया सुले दिल्ली में रहती हैं, उनकी वहां की स्थिति अच्छी है, संसद में वे बेहतरीन काम करती हैं। हालांकि भविष्य में उन्हें पार्टी का नेतृत्व मिला तो पिता के समान ऊंचाई तक पहुंचने के लिए उन्हें कोशिश करनी चाहिए। लेख में कहा गया कि राज्य के कई नेता आज दहलीज पर हैं और उनमें कई नाम पवार पार्टी के हैं। इस दहलीज के कुछ नेताओं ने पवार के इस्तीफे के बाद सबसे ज्यादा विलाप किया। शरद पवार ने पार्टी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा देकर सभी की पोल खोल दी। सामना में छपे इस लेख में कहा गया कि पवार अपना भाषण लिखकर लाए थे, ऐसा कभी नहीं होता। मतलब उनका भावनात्मक आह्वान और इस्तीफे का मसौदा वह ध्यान पूर्वक तैयार करके लाए थे और उसके तहत उन्होंने सब कुछ किया। शरद पवार ने अपनी उम्र का 80 वर्ष कब का पार कर ली है और फिर भी पवार सक्रिय राजनीति में हैं। लेख में आगे कहा गया कि पवार द्वारा सेवानिवृत्ति की घोषणा करते ही प्रमुख नेताओं के आंसू छलक पड़े, रोने धोने लगे, पवार के चरणों पर नतमस्तक हो गए। आपके बिना हम कौन, कैसे, ऐसा विलाप किया। लेकिन इसमें से कईयों के एक पैर भाजपा में है और पार्टी को इस तरह से टूटते देखने की बजाय सम्मान से सेवानिवृत्ति ले ली जाए, ऐसा सेक्युलर विचार पवार के मन में आया होगा तो उसमें गलत नहीं है। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का एक गुट भारतीय जनता पार्टी की दहलीज पर पहुंच गया है और राज्य की राजनीति में कभी भी कोई भी भूकंप आ सकता है। ऐसे माहौल में पवार ने इस्तीफा देकर हलचल मचा दी। लेख में कहा गया, शिवसेना टूटी, 40 विधायक छोड़कर चले गए, लेकिन संगठन और पार्टी अपनी जगह पर है। कल राष्ट्रवादी के कुछ विधायक वगैरह चले गए, फिर भी जिला स्तरीय संगठन हमारे पीछे रहे। इस दृष्टिकोण से जनमानस परखने का ये एक झटका देने वाला प्रयोग हो सकता है। लेख में कहा गया कि शरद पवार द्वारा इस्तीफा देते ही उनको मनाने की कोशिश शुरू हो गई, ये स्पष्ट दिखाई दे रहा है। पवार इस्तीफा वापस लें, ऐसी मांग नेता कर रहे हैं। लेकिन अजीत पवार ने कहा कि पवार साहब ने इस्तीफा दिया, वे वापस नहीं लेंगे, उनकी सहमति से दूसरा अध्यक्ष चुनेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज ऑफ इंडिया। कर्नाटक में कांग्रेस अपने घोषणा पत्र में बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का वादा कर चुकी है और बजरंग दल की तुलना पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से कर डाली। लेकिन मुस्लिम तुष्टिकरण का कार्ड खेला तो छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल ने राज्य में ऐसा करने की बात कही। बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने की बात जेडीयू के सांसद ने भी कर डाली। लेकिन जिस कर्नाटक में कांग्रेस ने चुनावी वादा किया वहां रातों रात खेल पलट गया। कांग्रेस को जब तक इस बात का एहसास होता तब तक राज्य में उसे बड़ा नुकसान होता दिखने लगा, तो कांग्रेस तुरंत डैमेज कंट्रोल करने में जुट गई।
वीरप्पा मोइली का कहना है कि बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाने का कांग्रेस का कोई इरादा नहीं है। उन्होंने कहा, न तो पार्टी के पास ऐसा कोई प्रस्ताव है और न ही राज्य सरकार प्रतिबंध लगा सकती है। कर्नाटक विधानसभा के लिए जारी घोषणा पत्र में कांग्रेस ने बजरंग दल की पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से तुलना करते हुए सत्ता में आने पर प्रतिबंध का वादा किया, लेकिन मोइली ने बुधवार को 3 मई 2023 को उडुपी में मीडिया से बात करते हुए इससे इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में पीएफआई और बजरंग दल का उल्लेख है, इसमें सभी कट्टरपंथी संगठन शामिल हैं, लेकिन किसी संगठन पर प्रतिबंध लगाना राज्य सरकार के लिए संभव नहीं है क्योंकि ये केंद्र सरकार का अधिकार क्षेत्र है, इसलिए कर्नाटक सरकार के लिए बजरंग दल पर प्रतिबंध लगाना संभव नहीं है। डीके शिवकुमार इस बारे में और विस्तार से बताएंगे। वीरप्पा मोइली कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। उन्होंने मीडिया से बात करते हुए कहा कि घोषणा पत्र में बजरंग दल जैसे संगठन पर प्रतिबंध का वादा हेट स्पीच पर सुप्रीम कोर्ट की हालिया टिप्पणियों को ध्यान में रखकर किया गया। 28 अप्रैल 2023 को सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच पर स्वतः संज्ञान लेकर सभी राज्यों को FIR करने के निर्देश दिए थे और कहा था, ऐसा नहीं करने पर इसे अदालत की अवमानना माना जाएगा। कर्नाटक विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने 2 मई 2023 को अपना घोषणा पत्र जारी किया था। इसमें बजरंग दल पर प्रतिबंध का वादा करते हुए उसकी तुलना PFI से कर दी गई। इसके बाद से न केवल कर्नाटक बल्कि देश भर में कांग्रेस का विरोध हो रहा है। इतना ही नहीं, कांग्रेस ने घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए बजट में 10,000 करोड़ रुपए की व्यवस्था करने की बात कही है। करीब एक साल पहले प्रतिबंधित इस्लामिक कट्टरपंथी संगठन PFI ने भी राज्य में अल्पसंख्यकों के लिए 10,000 करोड़ रुपए के फंड की ही डिमांड की थी। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। जंतर मंतर पर धरना दे रहे पहलवानों की याचिका पर सुनवाई करने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामलों को बंद कर दिया। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आगे से किसी भी किस्म की राहत के लिए वे निचली अदालत में जाएं। भारत के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ की पीठ ने कहा कि हम ये मामला यहां बंद कर रहे हैं, अगर आगे कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के सामने रखा जा सकता है। सुनवाई के दौरान भारत सरकार के सॉलिसिटर जनरल ने पीठ को बताया कि कोर्ट ने शिकायतकर्ता को सुरक्षा का निर्देश दिया था, नाबालिग शिकायतकर्ता को पर्याप्त सुरक्षा दी गई है, सादे कपड़ों में पुलिस वाले सुरक्षा दे रहे हैं ताकि पहलवान उजागर न हो सके, बाकी 6 को खतरा नहीं पाया गया लेकिन उनको भी सुरक्षा दी गई है। सॉलिसिटर जनरल ने CGI को बताया कि हम निष्पक्ष जांच कर रहे हैं, शिकायतकर्ताओं के बयान लिए जा रहे हैं, सीलबंद लिफाफे में कोर्ट की रिपोर्ट दी है, एक वरिष्ठ IPS जांच कर रही है। ये सही नहीं होगा कि याचिकाकर्ता कहें कि ऐसा पहले किया जाए या वैसा पहले किया जाए। उन्होंने आगे कहा कि अभी CRPC 161 के बयान हो रहे हैं, जल्द ही मजिस्ट्रेट के सामने धारा 164 के बयान दर्ज करवाए जाएंगे। सुनवाई के बाद CGI ने कहा कि हमारे पास 3 याचिकाकर्ता आए थे। उन्होंने बताया कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत का प्रतिनिधित्व किया है, हमने पुलिस को नोटिस जारी किया, पुलिस ने हमें बताया कि वह FIR दर्ज करेगी, कनॉट प्लेस थाने में FIR दर्ज हो चुकी है। CGI ने कहा कि नाबालिग शिकायतकर्ता का बयान 29 अप्रैल को दर्ज किया गया, 4 महिला पुलिस कांस्टेबल्स की उपस्थिति में बयान हुआ, 3 मई को दूसरे बयान भी लिए गए हैं। सॉलिसिटर ने बताया कि मजिस्ट्रेट के सामने भी जल्द बयान दर्ज होंगे। हमारे पास FIR की मांग रखी गई थी, वह पूरी हो चुकी है, हमने सुरक्षा का आदेश दिया है, वह भी दी जा चुकी है, हम ये मामला यहाँ बंद कर रहे हैं, आगे अगर कोई शिकायत हो तो उसे मजिस्ट्रेट या हाईकोर्ट के सामने रखा जा सकता है। जंतर मंतर पर 23 अप्रैल से कुश्ती संघ के अध्यक्ष ब्रजभूषण चरण सिंह के खिलाफ मोर्चा खोले हुए पहलवानों ने यौन उत्पीड़न का आरोप लगाया है, उनकी गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं। पहलवानों ने सुप्रीम कोर्ट में भी याचिका दाखिल कर ब्रजभूषण पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने का आदेश देने की मांग की थी। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली पुलिस को नोटिस भी जारी किया था। दिल्ली पुलिस ने महिला पहलवानों की शिकायत पर ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ 2 मामले दर्ज किए। नाबालिग की शिकायत पर पहली FIR में ब्रजभूषण के खिलाफ पॉक्सो एक्ट लगाया गया। और इतना ही नहीं, दिल्ली पुलिस के सूत्रों के मुताबिक जिन महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न के आरोप लगाए उनके बयान में जिक्र जगहों और इवेंट्स के बारे में फेडरेशन और कंसर्न अथॉरिटी से जानकारी ली जा रही है ताकि पुलिस आरोपों की सच्चाई का पता लगा सके। सूत्रों के मुताबिक जानकारी मिलने के बाद पुलिस वह उस समय वहां मौजूद लोगों के बयान भी दर्ज करेगी। अब तक पुलिस ने कुछ शिकायतकर्ता पहलवानों ने बयान दर्ज किए हैं, कुछ के बयान जल्द दर्ज किए जाएंगे। हालांकि किसी भी शिकायतकर्ता के कोर्ट में बयान दर्ज नहीं करवाए गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया। आपराधिक मानहानि केस में जब से राहुल गांधी को 2 साल की सजा सुनाई गई, उनकी सदस्यता छिन गई, बंगला छिन गया, तब से ही लिबरलों में खलबली मची है।
हालात यहां तक पहुंच गए कि सुप्रीम कोर्ट में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट को ही खत्म करने के लिए याचिका दायर की गई। असल में रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट के सेक्शन 8(3) के तहत कांग्रेस नेता राहुल गांधी को अपनी सांसदी से हाथ धोना पड़ा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई करने से साफ इनकार कर दिया। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको इस सेक्शन से कोई दिक्कत हुई है क्या? फिर उन्होंने कहा कि जब आपको कोई परेशानी हो तब याचिका दायर कीजिए, डिसमिस। इस सेक्शन में प्रावधान है कि किसी निर्वाचित जनप्रतिनिधि को अगर कम से कम 2 साल की सजा होती है तो उसकी सांसदी या विधायकी अपने आप ही रद्द की जाएगी। याचिका पर सीजेआई की अगुवाई वाली बेंच ने सुनवाई की। बेंच में जस्टिस पीएम नरसिम्हा और जस्टिस जेबी पादरीवाला भी मौजूद रहे। सोशल एक्टिविस्ट आभा मुरलीधरन ने रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के सेक्शन 8(3) की संवैधानिक वैधता पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट से इसमें दखल दिए जाने की मांग की थी। अपील में कहा गया था कि सेक्शन 8(3) अल्ट्रा वायरस है और इससे फ्री स्पीच पर रोक लगती है। संविधान में फ्री स्पीच के एक अधिकार के तहत उनका ये कहना था कि राजनेता इस सेक्शन की वजह से सहमे हुए हैं। मतदाताओं ने उन्हें जो अधिकार दिया है वो उसे पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं कर पा रहे। सुप्रीम कोर्ट सेक्शन 8(3) पर सुनवाई करके कोई ठोस फैसला जारी करे। याचिका में कहा गया था रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट का सेक्शन 8(3) इसके सेक्शंस 8(8A, 9(9A, 10 और 10A और 11 से बिल्कुल अलग है। आभा मुरलीधरन का कहना था कि किसी को अयोग्य ठहराने से पहले अपराध के सभी पहलुओं पर विचार किया जाना चाहिए। उनका कहना है कि पीपल एक्ट के सेक्शन 8(3) की वजह से किसी जनप्रतिनिधि को 2 साल की सजा होते ही उसकी संसदीय विधायकी अपने आप खत्म हो जाती है। उसके बाद वो 6 साल के लिए अयोग्य हो जाता है, यानी 6 साल के दौरान वो कोई भी चुनाव नहीं लड़ सकता। याचिका में सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले लेली थॉमस का जिक्र कर कहा गया कि सेक्शन 8(4) को खत्म करना सही फैसला नहीं था। ये सेक्शन किसी को अयोग्य ठहराने के बाद 3 महीने का वक्त देता है जिससे वो सजा के खिलाफ अपील कर सके। लेली थॉमस मामले की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने पीपल एक्ट के सेक्शन 8(4) को खत्म कर दिया था। नीतीश कुमार बिहार की सियासत में 2 नावों की सवारी करने की फिराक में थे और इसी वजह से एक तरफ वे जातीय जनगणना कर पिछड़ों को खुश करना चाह रहे थे तो दूसरी तरफ कानून बदलकर आनंद मोहन को रिहा कर अगड़ी जातियों को साधने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन नीतीश कुमार का ये दोनों ही दांव उल्टा पड़ता दिखाई दे रहा है। आनंद मोहन की रिहाई का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया जहां इसकी सुनवाई की जानी है और दूसरी तरफ पटना हाईकोर्ट ने जातीय जनगणना पर रोक लगाकर नीतीश कुमार का खेल बिगाड़ दिया। जातीय जनगणना पर रोक लगाने की मांग को लेकर दायर की गई याचिका पर पटना हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। बिहार सरकार के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी। सुप्रीम कोर्ट के आदेश में कहा गया था कि 3 दिन में सुनवाई कर पटना हाईकोर्ट इस मामले में अंतरिम आदेश दे। बिहार सरकार की ओर से महाधिवक्ता पीके शाही पटना हाईकोर्ट में अपनी दलील रख रहे थे। पटना हाईकोर्ट ने कहा कि अगली सुनवाई 3 जुलाई को होगी, तब तक कोई डाटा सामने नहीं आएगा। याचिकाकर्ता के वकील ने बताया कि कोर्ट ने कहा कि इनमें 3 जुलाई को डिटेल में सुनवाई होगी। फिलहाल कोर्ट से यह निर्णय आने के बाद कहीं न कहीं नीतीश सरकार को बड़ा झटका लगा है। हालांकि अब 3 जुलाई के बाद देखना होगा कि कोर्ट का निर्णय क्या होता है। दरअसल याचिका में कहा गया है कि जाति आधारित जनगणना में लोगों की जाति के साथ साथ उनके कामकाज और उनकी योग्यता का भी ब्यौरा लिया जा रहा है। ये उनकी गोपनीयता के अधिकार का हनन है। याचिका में कहा गया कि राज्य सरकार को जातीय जनगणना कराने का संवैधानिक अधिकार नहीं है, साथ ही इस पर खर्च हो रहे 500 करोड़ रुपए भी टैक्स के पैसों की बर्बादी है। इससे पहले हाईकोर्ट ने बिहार सरकार से पूछा था कि जातीय गणना करना सरकार के अधिकार क्षेत्र में है या नहीं, इस गणना का उद्देश्य क्या है और इसे लेकर कानून भी बनाया गया है। आर्थिक सर्वेक्षण कराना क्या कानूनी बाध्यता है? सरकार की ओर से कोर्ट में महाधिवक्ता पीके शाही ने कहा था कि जन कल्याण की योजनाओं के लिए गणना कराई जा रही है। इस गणना से सरकार को गरीबों के लिए नीतियां बनाने में आसानी होगी। बिहार में जनवरी 2023 में जातीय जनगणना का काम शुरू हुआ था। दूसरे चरण का काम 15 अप्रैल से लेकर 15 मई तक होना था। पहले चरण में मकानों की गिनती की गई थी। दूसरे चरण में जनगणना अधिकारी घर घर जाकर लोगों की जाति के अलावा उनके आर्थिक ब्यौरे की जानकारी जुटा रहे थे, लेकिन हाईकोर्ट के फैसले के बाद से सारा काम रोक दिया गया। शराब घोटाला और बंगला विवाद में फंसे अरविंद केजरीवाल और पार्टी को बचाने के लिए आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल स्टंट का सहारा ले रही है। उसे भरोसा है कि ऐसा करके ही अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी को बचाया जा सकेगा।
एक तरफ बीजेपी नेता कपिल मिश्रा ने केजरीवाल के बंगला रिनोवेशन मामले में करीब 150 पेड़ काटने का गंभीर आरोप लगाया, तो दूसरी तरफ जवाब देने की बजाय आम आदमी पार्टी अरविंद केजरीवाल की जासूसी कराने का आरोप लगा रही है। दिल्ली की सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा का एक पत्र पढ़ते हुए कहा कि लोकप्रिय नेता केजरीवाल की सुरक्षा में चूक हुई, कई बार मुख्यमंत्री केजरीवाल पर हमले हुए। उन्होंने आगे कहा कि पिछले दिनों मुख्यमंत्री आवास के बाहर एक ड्रोन उड़ता हुआ दिखाई दिया। संदेह की बात है कि आज तक इस मामले में किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई। सौरभ भारद्वाज ने कहा कि पिछले 3-4 दिन से हम देख रहे हैं कि दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के कुछ पुलिस अफसर सीएम आवास के बाहर 24 घंटे घूमते दिखते हैं। उनसे पूछा कि कुछ पुलिस अफसर सीएम आवास के 24 घंटे क्यों घूमते हैं, जो कहते हैं कि हम स्पेशल टास्क पर हैं। आम आदमी पार्टी को शक है कि ये ऑफिसर्स मुख्यमंत्री की जासूसी कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि जिस कानून के तहत एक राज्य की पुलिस अपने ही राज्य के सीएम की जासूसी कर सकती है। इससे पहले बीजेपी ने सीएम के घर की मरम्मत के लिए खर्च हुए 45 करोड़ को लेकर जमकर विवाद किया। बीजेपी ने आरोप लगाया था कि केजरीवाल ने 2 साल के अंदर अपनी सरकारी घर की मरम्मत पर 45 करोड़ रुपए खर्च कर दिए। बीजेपी का कहना है कि शर्म की बात है, 2020 से 22 के बीच जब राजधानी की जनता कोरोना महामारी से जूझ रही थी, तब सीएम अपने घर को चमका रहे थे। बीजेपी ने इस मामले को लेकर जमकर विरोध किया। एलजी वी के सक्सेना ने मामले में संज्ञान लेते हुए मुख्य सचिव को पत्र लिखा और रेनोवेशन से जुड़े दस्तावेज 15 दिन में पेश करने को कहा, जिसके बाद लोक निर्माण मंत्री आतिशी मार लेना दिल्ली एलजी को लेटर लिखकर कहती हैं सीएम केजरीवाल के घर की मरम्मत पर लगभग 30 करोड़ रुपए से अधिक खर्च हुए हैं। उन्होंने कहा कि एलजी ने इसको लेकर रिकॉर्ड मांगा। उन्होंने एलजी के इस निर्देश को असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक बताया। आम आदमी पार्टी के नेता अदालत से भी सच आसानी से छिपा लेते हैं, तो फिर उनके लिए जनता क्या चीज है। शराब घोटाला मामले में फंसे मनीष सिसोदिया हाईकोर्ट में अंतरिम जमानत लेने इस बिना पर पहुंच गए कि उनकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार हैं और अस्पताल में हैं, इसलिए उन्हें देखरेख के लिए अंतरिम जमानत दी जाए। इसे लेकर सीबीआई की तरफ से पेश हुए वकील ASG SV राजू ने कहा कि अंतरिम जमानत के लिए आवेदन किए जाने से काफी पहले मनीष सिसोदिया की पत्नी को छुट्टी दे दी गई थी। उन्होंने इस बात को दबा रखा है कि उनकी पत्नी को डिस्चार्ज कर दिया गया, उनकी हालत में सुधार हुआ है। दूसरी तरफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ 2500 पन्नों की चार्जशीट दाखिल कर दी है। इसमें ईडी ने मनीष सिसोदिया को आरोपी बनाया है। आबकारी नीति मामले में मनीष सिसोदिया 29वें आरोपी हैं। ईडी ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दिल्ली के राउल्स एवेन्यू कोर्ट में लगभग 2500 पेज की चार्जशीट दाखिल की। आबकारी नीति मामले में उनके खिलाफ सीबीआई भी चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। ईडी ने सिसोदिया को आबकारी नीति मामले में 9 मार्च को गिरफ्तार किया था। इससे पहले सीबीआई ने उन्हें 26 फरवरी को लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया था। ईडी की गिरफ्तारी के मामले में जमानत के लिए सिसोदिया ने दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की। इस याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने ईडी को नोटिस जारी किया और मामले की अगली सुनवाई के लिए 11 मई की तारीख तय की है। सिसोदिया ने अपनी पत्नी की बीमारी के आधार पर मामले में नियमित जमानत अर्जी के साथ साथ अंतरिम जमानत याचिका भी दाखिल की है। पूर्व उप मुख्यमंत्री की पैरवी कर रहे वरिष्ठ अधिवक्ता दयान कृष्णन और मोहित माथुर ने हाईकोर्ट में दलील दी कि मनीष सिसोदिया की पत्नी पिछले 20 सालों से मल्टीपल स्क्लेरोसिस से जूझ रही हैं, जो नर्वस सिस्टम से जुड़ी एक गंभीर दीर्घकालिक बीमारी है और उनकी स्थिति और बिगड़ने की आशंका है। ईडी के वकील ने इस मामले में याचिका पर ये कहते हुए विरोध किया कि सिसोदिया मामले में मुख्य साजिशकर्ता है। निचली अदालत के 28 अप्रैल के उस आदेश को चुनौती दी जिसके तहत धन शोधन मामले में उनकी जमानत याचिका को इस आधार पर खारिज कर दिया गया था कि सबूत प्रथम दृष्टया अपराध में उनकी संलिप्तता की ओर इशारा करते हैं। सीबीआई ने मनीष सिसोदिया की पत्नी की तबीयत खराब होने पर अंतरिम जमानत याचिका का विरोध किया। दिल्ली उच्च न्यायालय सीबीआई मामले में सिसोदिया की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई कर रहा है और कोर्ट ने इस मामले को लेकर सीबीआई से जवाब तलब किया है। इस पर सीबीआई के वकील ने कहा कि गुरुवार को रिपोर्ट पेश करना संभव नहीं होगा। इसके बाद कोर्ट ने उसको गुरुवार तक रिपोर्ट पेश करने की कोशिश करने को कहा ताकि अर्जी पर नियमित जमानत याचिका के साथ ही सुनवाई की जा सके। इससे पहले 31 मार्च को निचली अदालत ने इस मामले में उनकी जमानत याचिका खारिज कर दी थी। अरविंद केजरीवाल और उनकी पार्टी के नेताओं ने अपनी तरफ से तमाम कोशिशें कर ली, लेकिन सच को वे छुपा नहीं पाए। आखिरकार केजरीवाल के महल की तस्वीरें सामने आ ही गईं।
तस्वीरों से साफ पता चलता है कि केजरीवाल ने अपने और अपने परिवार की मौज मस्ती का पूरा इंतजाम किया है। ये किसी सीएम का आवास नहीं बल्कि आलिशान फाइव स्टार होटल की तरह है। जितना बड़ा केजरीवाल का पुराना आवास था उससे बड़ा तो इसका गार्डन बनाया गया है। टेनिस कोर्ट भी केजरीवाल ने अपने लिए बनवा कर रखे हैं। गार्डन इतना शानदार है कि उसकी देखरेख के लिए 10 माली लगाए गए हैं और 32 स्टाफ केजरीवाल के महल की साफ सफाई सुनिश्चित करता है ताकि कहीं धूल का एक कण भी किसी को न दिख पाए। केजरीवाल ने रेनोवेशन के नाम पर पूरी बिल्डिंग बनाई है जो नियमों के खिलाफ है क्योंकि बजट रेनोवेशन के नाम पर पास किया गया था। केजरीवाल के इस नए घर में तो पुराने सीएम आवास जितना गार्डन है, दर्जनों कारों की पार्किंग की जगह है, पब्लिक के पैसे से करोड़ों के पर्दे, करोड़ों खर्च किए गए, करोड़ों का मार्बल। बड़ी बात यह है कि केजरीवाल ने बिना अनुमति के कई पेड़ भी कटवा दिए। भारतीय जनता पार्टी केजरीवाल सरकार पर हमलावर है। वहीं सीएम केजरीवाल की ईमानदारी पर सवाल खड़ा करने लगी है। दिल्ली के उपराज्यपाल वी के सक्सेना ने इस पूरे मामले में 15 दिन के भीतर रिपोर्ट जमा करने के आदेश दिए थे। हालांकि आतिशी मार लेना ने इस आदेश को अलोकतांत्रिक और असंवैधानिक करार दिया। उनका ये कहना है कि राज्यपाल के पास ऐसा आदेश देने का अधिकार नहीं है। केजरीवाल वही है जो कभी कहते थे कि उन्हें 4-5 से ज्यादा कमरों वाला मकान की आवश्यकता नहीं है। वीआईपी कल्चर को लेकर वे हमलावर रहते थे लेकिन मिली तो उन्होंने दूसरे नेताओं को भी पीछे छोड़ दिया। News of India.